कितना बनता है? 9,500 है एक नोट, 9,500। राइट नाउ वी आर एट सदर बाजार और पार्किंग की बहुत ही दिक्कत है। एक आदमी से पीछे सेटिंग कर ली है, अभी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ लिटरली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं जा रहा हूँ सदर मार्केट के अंदर, आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ सदर मार्केट की। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सदर मार्केट कैसा लगता है, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। पतंग ले ली गई है। पतंग इतनी सी लिए, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि हमारा जो मांझा है वो सबसे अच्छा ही होगा। ये फिक्स 12 बजी है और ये जो आपने देखा वो था सदर मार्केट रात का। और मैंने आपको बोला था कि मैं रात को आऊँगा और आपको मतलब जो ग्लिम्स है वो दिखाऊंगा राजकोट की। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इधर से आवाज़ पे। तो मैंने सोचा चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं जाऊँगा हॉस्टल जाके अभी मस्त सो जाएंगे और सुबह आपको मिलेंगे, तो बने रहिएगा। ओके, तो हम जो गए थे वो एक ही साइड गए थे, दूसरी साइड अलग था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मुझे इतना ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, वैसे हम में से किसी को नहीं पसंद। तो हम लोग आधे क्राउड में से निकल गए और पतंगे लेके ही निकल गए। मैंने सोचा कि वापस से नहीं आना है। तो हमारा एक बंदा भी गायब है जिससे हम सुबह मिलेंगे और आपसे भी हम सुबह मिलेंगे, तो ये बने रहिए। ब्लॉग बहुत लंबा जाने वाला है। सो वी आर हियर एट फैनिल्स हाउस। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये बच्चा है हमारे साथ, ये गुजराती बोल रहा है, तो आप माइंड न मत करना, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। तो आज इस बार इतना ज़्यादा माहौल नहीं है, बट ठीक है, इतना जो भी है। हमको तो पतंग बहुत दूर तक पहुंचानी है। पतंग उड़ानी है और ये सब आ चुके हैं। अभिषेक आया है स्पेशल उत्तरायण मनाने के लिए। तो मस्त मज़ा आ रहा है। एक पतंग अड़ाई, उससे 3 पतंग काटी, उसके बाद दूसरी एक अपनी कटवाई है, क्योंकि वो जो दौर था वो पुराना था। अभी इससे उड़ाएंगे थोड़ी देर बाद। ये देखते हैं ये कितना ही अच्छा है, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मोटा है। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है उत्तरायण में, आप बने रहिएगा। और हमारे साथ ये जो बच्चा है, अगर वो बीच बीच में कुछ बोल देता है तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही क्यूट है, तो इसको मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बच्चों को कुछ बोलते नहीं है। और आज बचपन याद आ गया कि 4 महीने के बाद हम लोग कहाँ होंगे किसी को पता नहीं है। तो अब 4 महीने हैं, तो 4 महीने जितना हम खुश रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, उतना साथ में रहेंगे और इन्जॉय करेंगे जितना हो सकता है उतना। क्योंकि अभिषेक आया है स्पेशल उत्तरायण के लिए, क्योंकि अब पता नहीं है 4 महीने बाद सच में वैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और आज जितना हो सकता है उतना इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चला जाएगा और 20th को आएगा वापस, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम है। और जब मैं छोटा था, मतलब आज से 5-7 साल पहले मान सकते हैं, मैं मतलब 7 बजे, और हम तो सोते भी नहीं थे पूरी रात भर, मतलब जो पतंग की है कन्या बांधते थे और बहुत मज़े करते थे। बट अभी वो क्रेज़ नहीं रहा है, बट अभी वापस एक बार बचपन को रिमाइंड करेंगे हमारे मोटा भाई के साथ। और लेट्स सी आज कितना मज़ा आता है। दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, डोर हवा में है। तो गई फटाफट ले बोल रहा ऑलमोस्ट लास्ट सकरात होगी हमारे साथ में 4 महीने बाद। ये अलग, मैं अलग, चैनल अलग, सब कुछ सब अलग। अभी 3 बंदे तो आए नहीं है, 4 बंदे। वत्सल और राज दोनों ही नहीं है। वो वत्सल सूरत में है, राज तो पता नहीं अहमदाबाद है। राज टिकट नहीं मिली क्या 200 रुपये में? भैया आ चुके हैं फाइनली। तो वीडियो में आ रहा है, हाय कर दे। अरे 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 क्या बात है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अभी अयाज और सिद्धरा जाने वाले हैं। 4-5 पतंगे के जो होती कन मान दी है, अभी उड़ाएंगे। बहुत मस्त हवा चल रही है, नाश्ता वास्ता चल रहा है, गन्ने वन्ने खा रहे हैं। घर पे होता तो मस्त वो क्या बोलते उसको, खिचड़ा खाता। जो अभी तो जलेबी फाफड़ा खाया, सच में उसको देख के तो बचपन की याद आ गई। हम लोग 4 बजे छत पे चढ़ जाते थे, मस्त कन्या वन्या बांधते थे और मज़े करते थे। कन्या गया, कन्या बना सेकंड राउंड के लिए गया। पतंग चगावा चाहिए। राजकोट ऐसा शहर है ना कि कहीं पे भी वो घिर्री लपेटने वाला जो होता ना वो डिवाइस नहीं मिला, मतलब वो जो चक्री होती है ना वो लपेटने वाला नहीं मिला। हमारा महानुभाव फैजल भाई ने वो गिर्री तोड़ दी है, तो मेहनत हमारी लगी। कटर लेके आए, उससे एक गिर्री को काटेंगे, मतलब एक गिर्री का धागा काटेंगे, उसके बाद दूसरी वाली को खुद ही लपेटेंगे। हो गई ना मेहनत। सदर बाजार तक गए थे हम लोग, वहाँ पे भी नहीं मिला। बोल चलो जो भी जैसा भी काटता हूँ अभी, ये करना पड़ेगा। क्या करें, 400-500 रुपये का जो है धागा थोड़ी जाने दे सकते हो, गिरा दिया तो ये निकाल देना। नहीं कटाई पूरी गिर्री खाली करनी है अभी। 2000 मीटर है ये भाई साहब है, उन्होंने तोड़ दी है। अभी आपको रपेटनी है भाई, हंस मत। दे धनातन, दे धनातन। इतना सा बता, इतना यहाँ आ गया था, इतनी जोर से ब्रेक लगे गाड़ी वही स्टॉप। देख देख भाई देख। तो जो जो मैं दौर लेके आया था वो तो पूरा खत्म हो गया, मतलब वो उलझ गया था। पर उसको सुलझाया तो उसमें थोड़ा सा ही बचा था, तो दो फिरकी में भरा था वो, तो दोनों खाली कर दी पूरी। 3 किलोमीटर धागा था उसके अंदर, 3 किलोमीटर पूरा का पूरा खाली कर दिया। और 2 ओवर लेके आए, ये वाला 2 ओवर लेके आए। इतना गिराया, इतना गिराया। 900 रुपये कितने, 350 का एक, 400 का एक, 450 का एक, 900 रुपये थे। गिरा के उसको 500 में लेके आए, और 500 में 2000 मीटर और लेके आए। अभी और उड़ाएंगे, मज़े करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट है। प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खाने जाने का। आज कुछ हेल्दी खाऊंगा, क्योंकि सुबह से नाश्ता ही कर रहे हैं हम लोग। चाय पी रहे, गाठिए खा रहे, जलेबी खा रहे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। दूर तक पतंग को पहुंचाना है और इन्जॉय करना है फुल ऑन, क्योंकि कल जो है अभिषेक जा रहा है, फाइनल भी अलग हो जाएगा। यह शाम को घर जा रहा है। ठाकुर उसकी क्या बोलते हैं, मैच की टिकट लेने गया, जो कि श्रीलंका और इंडिया का होने वाला है यहाँ पे 17 तारीख को। तो लेट्स सी, अगर वो टिकट मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। नहीं इतना खास माहौल नहीं था, पर अभी माहौल जमा हुआ है। थोड़ा सा पतंग वतंग उड़ रही, पर अब शाम हो गई है। वीएम व्लॉग्स, वीएम व्लॉग्स सुन लिया आपने? लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चे ने बोला है। अब तो कर देना। ओके, आई लेट यू मीट द गाय जिसकी वजह से व्लॉगिंग चालू हुई है, वो भी वीडियो कॉल पे। जो आई रहे व्लॉगर, हाय बोल दे, हाय बोल, हाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने क्या हिंदी में, अबे साले हिंदी में आई होता है। हिंदी में आई होता है। सो उत्तरायण गोज गुड, नॉट दैट मच बट ओके, चलेगा, क्योंकि टाइम के साथ सभी जो है सभी फेस्टिवल्स के जो है वो क्रेज़ जो होते हैं, फीवर जो होते हैं, वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो रहे हैं। इस बार भी कोई ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं था, इस बार भी उसका उत्तरायण का, बट लास्ट टाइम जो था उससे भी बहुत कम था। इस बार दिवाली का भी कुछ नहीं था। अब आगे आने टाइम में मेरे को तो लगता है कि ये जो धीरे-धीरे जो फेस्टिवल धीरे-धीरे जो है ना, ये लुप्त नहीं विलुप्त हो जाएंगे धीरे-धीरे, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो क्रेज़ पहले होता था आज से 5 से 7 साल पहले, वो आजकल नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया का फेस्टिवल है। और हर किसी को जनवरी स्टार्ट होते ही 14 तारीख का वेट होता है कि भाई मकर संक्रांति आएगी, तो उस पर पतंग उड़ाएंगे, मज़े करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, ये वाली जो हमारी संक्रांत है वो अब साथ में लास्ट वाली संक्रांत है, क्योंकि राजकोट में सिर्फ 4 महीने बाकी है। तो आई होप हम लोग वापस मिलेंगे। ये बंदा है अहमदाबाद, 2-3 बंदे और है वो भी अहमदाबाद, एक सूरत, एक बड़ौदा, एक राजकोट ही है, वो भी अहमदाबाद शिफ्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो आई होप हम लोग मिलें। मेरा तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं इधर उधर घूमने निकल जाऊँगा। और अगर आपने साथ दिया और अच्छा मैं कंटेंट बना पाया आपके लिए, सो आई होप कुछ ना कुछ अच्छा ही हो, खराब ना हो। और जो भी होता अच्छे के लिए होता है, अगर ये भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा होगा, ऐसा मम्मी बोलती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हम लोग वापस निकल चुके हैं, जाओ फैनल नहीं आ रहा हमारे साथ, क्योंकि उसको कहीं जाना है। क्या करना है, व्यवहार चल। तो उसको कहीं जाना है, कोई डिनर विनर पे जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे अभी। हमारे जो परम पूज्य टीचर जी है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद कुछ खाने जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ खाने जा रहे हैं। और ये हमारी बेटी खड़ी है, देखिए इधर से उंगली दिख रही है, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैन कर। कितना कतर रियाल है ये? 500 रियाल। कितना बनता है इसका? 9.5 रियाल के 19.50 अभी करंट रेट है। अच्छा 500 लिखा हुआ इसके ऊपर, कितना बनता है? 9,500 है एक नोट, 9,500 चाहिए सर आपको? ला भाई मेरा फोन नहीं, इंडियन करेंसी की हो तो बात अलग तो बड़े ले ले बड़ा पड़ी था, तो चेहरा होना था। तो यहाँ आए थे हम लोग 2 घंटे पहले और 2 घंटे के बाद 2 घंटे कहाँ निकल के कुछ पता नहीं चला। अभी बज गई है 10:15, खाना खाना भी रह गया, अब खाने की इच्छा तो है नहीं, भूख लगी नहीं, इतनी बातें करी पेट भर गया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, डायरेक्ट हॉस्टल पहुँचेंगे। सर के साथ बातें करी, बहुत मज़ा आया। कल तो मिलने का था पर कल मिल नहीं पाए हम लोग। और ये हमारा भाई है, हम लोग साथ में प्लानिंग कर रहे हैं कि मैच देखने जाएं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो अभी क्या था, मिला नहीं था टिकट, ब्लैक में मिल रही है भाई टिकट। कितने में? 500 की, 500 की 1500 में। तो 500 की 1500 में मिल रही है, इससे अच्छा हम लोग सब मिल के जब बुक माई शो में आया ना, बुकिंग स्टार्ट हुआ ना तो फर्स्ट डे सुबह को आया, शाम को सोल्ड आउट सारी, 1800 तक की सारी सोल्ड आउट। और अब ब्लैक में मिल रही है सब टिकट, तो ब्लैक में लें, उससे ज्यादा टीवी बैठ के देख लेंगे सब साथ में। तो हमारे साथ है लाइटमैन सिद्धराज मांदेरिया विद कैमरामैन वीएम व्लॉग्स विदित मेहता। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कहीं ना कहीं कुछ पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बाप का दादा का सबका बदला लेने वाला फजल भी है। तो बस प्यार बांटे, सफाई रखें, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। तो हमारे जो सर है वन ऑफ आवर फेवरेट फैकल्टी, जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए और दोनों में आराम से पास कर लिए हैं। एक था वेब टेक्नोलॉजी और एक था इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आपसे कुछ बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली ये लोग कल आने वाले थे, लेकिन कल कुछ इंसिडेंट हुए तो वो लोग आ नहीं पाए। तो आज वो पूरा दिन भी मिलने वाला था लेकिन मिल नहीं पाए, तो आज अभी वो लोग शाम को बैठने आए थे। 2 घंटा हो गया, मालूम नहीं चल पड़ा मतलब हम लोग को कब कितना टाइम चला गया। अभी ये लोग जा रहे हैं लाइक। तो डेफिनेटली अगर ये लोग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद दोस्तों, जय स्वामीनारायण। एक बात बोलना भूल गया था, वो बात ये थी कि 20 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है और 24 को भी हमारा एग्ज़ाम है। तो ये वाला व्लॉग मैंने 3 दिन में 3 व्लॉग डाल दिए हैं, और अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता। आई होप जल्दी आ जाए, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं शूट करूँगा अच्छा सा कंटेंट कुछ। और फिर घूमने जाने का प्लानिंग है, घर जाने का प्लानिंग है, तो उसका भी एक ब्लॉग बनाऊँगा बहुत ही जल्द। और आई होप मैं फटाफट फ्री हो जाऊँ और अच्छा अच्छा कंटेंट करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए।